हम तो अपना मैसेज दे रहे हैं सर, आपका टीवी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। हम लोग 20-22 साल हो गए हमारे बहन भाइयों को कच्चा हुए, अब तो उन्हें पक्का नहीं किया गया है। जो हमारे बहन भाई सेवा मुक्त हो गए, उन्हें अब तक उनको एक मुश्त पैसे नहीं दिए गए, ऐसे छुट्टी के पैसे देते हैं। जो हमारे भाई पक्के हुए उन्हें एरियल नहीं दिया गया है। हमारी बहन बेटियों को लैट्रिन बाथरूम करने की जगह नहीं है। हमारे लोग दिल्ली में जैसा संसदीय सफाई कर्मचारी को मरने की है। हमारे यहाँ मेडिकल कैशलेस की सुविधा तुरंत की जाए। हमारी जो मांगे हैं 20-25 सालों से, जो हमारी मांगे डिमांड चली आ रही है, काफ़ी छोटी छोटी मांगे जो 25 साल से लगता जा रही है, कोई भी हमारी मांग सुनो तैयार नहीं हो, चाहे वो क्षेत्र का MP हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे चंडीगढ़ चेयरमैन हो, चाहे कोई वो निगम पार्षद हो, या हमारा प्रशासन कोई कमिश्नर साहब हो, हमारे MP साहब हो, हमारी मांग को सुनने कोई तैयार नहीं है। हमारी जो मांग डिमांड है, जो 98 साल तक के सफाई कर्मचारी है उनको तुरंत पक्का किया जाए। ऐसे नहीं है, ये सब भगाने की बात है। वे चाहते हैं कि ये नेता टूट जाए, लेकिन ऐसे हमारे कर्मचारी नहीं करेंगे। कर्मचारी को हमें हमारा सहारा है और हमें कर्मचारी का सहारा है सर। अगर हमें आपके चैनल के माध्यम से पता लग रहा है, हम वहाँ पे जरूर जाएंगे और वहाँ कभी कहीं भी काम सर, वहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं अगर वहाँ हम जाके वहाँ बात करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे हम किसी को भी काम करने नहीं देंगे। कर्मचारियों का दबाव हम नहीं बनने देंगे। हम कर्मचारियों की नेतागिरी करते हैं, दबाव बना रहे हैं इन पे, और हम कर्मचारी नेतागिरी करते हैं। जहाँ भी कर्मचारी बुलाते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ये काम करा रहे हैं, हमारे परम आदरणीय श्री जगवान चौहान जी ने एक टीम बनाई हुई है, उन्होंने आदेश दे रखे हैं अपने संगठन को। RV उड़ाल जी ने अपने टीम को संदेश दे रखा है, संजय गहलोत जी ने अपनी टीम को संदेश दे रखा है कि जहाँ भी कर्मचारी फोन करे, चाहे दिन में रात में, आप तुरंत वहाँ पहुँचो और काम करने मत दो।